गाइस नमस्ते, व्हाट्सअप भालू। ये देखो गाइस मेरा नया डॉग, ये घंटा मेरा डॉग नहीं है। चलो बाहर बेटा, तुम इस घर के कुत्ते ही नहीं हो, जाओ बाहर। रॉन्ग होम रॉन्ग हाउस, बाय 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 बाय। गाइस मैं और कॉलेज के लौंडे, ये देखो भाई फर्स्ट ईयर के लड़के कौन है, अनुग्रह भैया। कल तो वसूली भाई बन के आए थे, आज तो एकदम अलग ही, बिल्कुल जो है जवान हो गए। उम्र कम हो गई यार आपकी तो, आज सही में यार। देखना गाइस कमेंट करके बता रहा, हैंडसम लग रहा है कि नहीं लग रहा हमारा छोरा, मुंडा छोरा कुकड़ का माल्ला। क्या बोल रहा हूँ, किसी कुछ बोल रहा हूँ। वेलकम वेलकम एम जी एक्टर, चाइनीज गाड़ी। चाइनीज है नहीं तो कौन सी है? ब्रिटिश ब्रिटिश गाड़ी है गाइस, ब्रिटिश यू नो, अंग्रेज राज करके हम उनकी गाड़ी चला रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा डिस्पोजेबल्स का सामान लेना है, सिटी नहीं जा रहे हैं, बिट्टन मार्केट के पास एक और शॉप का पता चला है, वहाँ बढ़िया बढ़िया सामान मिलता है, तो वहीं से जाके लेने हैं। हेजी सनशाइन 28.9 डिग्री सेल्सियस इन भोपाल। ठीक है, और कुछ तो नहीं बोलेगी इसके बाद, इतना ही बोलती है ना गाइस, बस इतना ही बोलेगी। अब मैं बोल लेता हूँ, मैं ये बोल रहा था हम लोग जा रहे हैं डिस्पोजेबल्स लेने, कहाँ पर? बिट्टन मार्केट में, वहाँ जाके कुछ ना कुछ सामान लेना है, थोड़ा बहुत और भी कुछ लेना है, जो भी लेना है तुम लोग ब्लॉग में देखते जाना, ठीक है? तो चलो लेट्स गो। काम करने से पहले तो हमें लगा ही भूख, तो हम लोग आ गए भाई 1100 पे छोले कुलचे खाने के लिए, तो फटाफट वो खा लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो गाइस ये लग गया अपने छोले, ये हमारी भाई छोले कुलचे वाली प्लेटिंग लग गई। देखो एक वो उधर खा रहा है, मैं इधर खा रहा हूँ। मुझे ना ये वाला केस लेना था, एक सेम अनुग्रह भैया को दिलवाया था न्यू मार्केट से, तुम लोग को याद होगा। तो एक ना मुझे मेरे फोन के लिए भी लेना था। कौन से फोन के लिए? मेरे 13 प्रो से, जिससे मैं ब्लॉग करता हूँ ना। क्या सही लग रहा है? नहीं सेम सेम हो गया ब्रो, ब्रो सेम सेम। हाँ कह रही है तो भाई, देखो भैया ने कितने सही तरीके से लगाया, मैंने कहा था एक भी बबल नहीं आना चाहिए भाई। तुम लोग को कहीं देखे तो कमेंट करके बता देना, भैया के पास वापस जाएंगे चेंज कराने, कर दोगे? गाइस बताना कैसा लग रहा है। गाइस ये देख लो, हम लोग ने शॉप के लिए डिस्पोजेबल सामान लेने आए थे, तो यहाँ से पूरा ले लिया। एक नई प्लेस मैं बता रहा था ना, बिट्टन मार्केट भाई, ये शॉप है, मिकुल भैया की दुकान है भाई। यहाँ पे ना सारा सामान सस्ते मिल गया, सिटी वाले रेट ही समझ लो। गाइस सामान तो ले लिया, शाम भी हो गई, थोड़ा लेट भी हो गए। भैया खोलना, ये देखो भाई कितना बड़ा जो है पूरा झोला भर के ना सामान ले लिया हम लोगों ने। इतना ही सामान लगता है गाइस जब आप एक शॉप वगैरह चलाते हो ना, इतने डिस्पोजेबल्स का ना सामान लेना पड़ता है। हाँ भैया बताएं। हाँ, मुझे तो बिरयानी खाना है। क्या खाना है? बिरयानी। बिरयानी अभी यहाँ नहीं मिलती, शॉप पे आना पड़ेगा आपको। क्यों शेफ साहब, कहाँ आना पड़ेगा उसके लिए? अरे शेफ साहब, अरे यार आप कहाँ खोए रहते हो, कहाँ आना पड़ेगा शॉप के लिए? वहीं पे, यहाँ पे नहीं मिलेगी, बावड़िया कला के पास। तो छोटू यहाँ नहीं देंगे ना इनको अपन? देखो पिद्दा बोल रहा है, बड़े तो बड़े पिद्दे भी बोलते। 200 रुपए प्लेट है, ठीक है? हाँ। कब आ रहे हो खाने? बस आ रही हूँ। छोटू ये कभी भी आए, कितने रुपए प्लेट है? 200 रुपए। नहीं क्या, नहीं 200 की है। ऐसा मत करो। कैसा मत करो, घर के लोगों को इठाऊंगी। खा क्या रहे हो आप? भुंजे हुए मटर लाओ, थोड़े ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, अरे बस बस भाई। देखो इनने पूरा साफ कर दिया बैठे बैठे, पूरी मटर खा गए। हम लोग देसी आदमी है, देसी थोड़ी है। ये देखो मैंने ना लंच नहीं किया था, तो मैंने तो बस ये टिफिन में रखवा लिया, वहीं रामू में बैठ के खा लूंगा। लगा दो, लगाओ 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 लगाओ, जल्दी 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 जल्दी। टूट गया उसका एक, खुलेगा तो नहीं? लग गया था ना, ये लगा। कैसे लगेगा? लगाओ लगाओ, बढ़िया। चलो हम लोग आ गए लोकेशन पे, अब जो है फटाफट मैं ना इन लोग का सेटअप करा देता हूँ, उसके बाद जो है अपन लोग मस्त जो है ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और ना गाइस एक और न्यूज है तुम लोग के लिए, अपन लोग कल ना निकलने वाले आउट ऑफ भोपाल। अब कहाँ निकलने वाले, क्यों निकलने वाले, तो वो ना थोड़ी सी देर के लिए रुक जाओ, फटाफट ये वाला काम निपटा लूं, मतलब ये सेटअप करा दूं, उसके बाद तुम लोग को सारी अपडेट्स देता हूं, है ना। जस्ट अभी ना हमने स्टॉल का सेटअप करा, ये देखो अपने शेफ साहब भी आ गए, छोटू भी आ गए। छोटू दे ताली, ये आज पूरी खाली करके जाएगा ना, फुल पूरा फुल खाली, बिल्कुल खाली। देखो अभी तो भरा होगा, पहले देखो तो अभी तो गाइस देख लो पूरा भरा हुआ है। जैसे ही मैं उतरा ना भाई, एक भाई थे, तुम लोग को मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखाया होगा, ये ना आज वापस अपनी दुकान पे सिर्फ मिलने के पर्पस से आए थे और काफी देर से वेट कर रहे थे। कितने बजे आए थे? 6:30 बजे के बाद ना ये बंदा आ गया था भाई यहाँ पे, और हम लोग आज थोड़ा लेट आए ना, हम लोग को 7 बजे तक आए, पर ये निकल ही रहा था और इसको वहां से मेरी रामबो दिख गई, तो इससे पहचान लिया, तो ये यहाँ पर आ गया। अच्छा लगा भाई तुम दोबारा आयो। और ये भाई आज भी एक चॉकलेट लेके आया था, पर तुम लोग को लाइव दिखाऊंगा, मैं इससे ले नहीं रहा, इसको बोल रहा हूँ वापस आज ही घर लेके जाएगा। आज ही मना। देखो ये देखो भाई, अब वापस ऐसी रखो भाई, वैसी रखो जैसे निकाली थी। नहीं नहीं जल्दी जल्दी रखो, मतलब मैं हर बार बोलता हूँ ना भैया मना कर देते। मैंने आज से ना ये नियम ही खत्म कर दिया, अब तुम लोग को खाली आना है, सिर्फ मिलने आना है अगर मिलना है तो, बाकी कुछ लेके नहीं आना है। तुम भी बोल दो नहीं, चलो ठीक है मना कर दिया। किसी का मन नहीं हुआ गिफ्ट देने का तो भाई
एक बार लिया ना हाँ। बस अब इस बंदे का चेहरा ना मुझे याद हो गया, अब मैं इससे कभी सेकंड टाइम नहीं लूंगा भाई, क्यों पैसे खर्च करना। अब ये डेरी मिल्क आज तुम खाओगे, ठीक है, आज ये बंदा ये खाएगा डेरी मिल्क खुशी खुशी। लास्ट एक आध ब्लॉग पहले मैंने बताया था कि एक और दो सब्सक्राइबर आए थे सिटी से, पीर गेट के आसपास से, तो मैंने कहा था कुछ स्पेशल करने वाला हूं। तो उन दो भाई के साथ ना भाई, इन भाई का भी नाम है, नाम क्या है भाई अपना, आदित्य, आदित्य भाई। तो भाई तीन लोग हो गए, इन लोग के लिए कुछ स्पेशल मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। अभी मैंने बताया था ना कहीं निकल रहे हैं अपन कल के लिए, वो तो सरप्राइज है, थोड़ी देर से बताऊंगा तुम लोग को। मैं तुम लोग को कॉन्टेक्ट करूंगा उन दो भाई को और तुमको, अभी मैं एक जगह जा रहा हूँ घूमने उसके आने के बाद, मीटअप होने वाला है, बहुत अच्छा रखेंगे। गाइस ये मान नहीं रहा, कह रहा है मैं चॉकलेट दे के जाऊंगा, मैंने कहा चाचा जी को दे दो, इनके अब अच्छी एक छोटी वो खा लेगी। सौरभ भैया तो ले नहीं रहे हैं, हाँ सौरभ भैया लेंगे ही नहीं, ले लो चाचा आप ले लो, ठीक हो गया। ये आए ये तो नहीं खाते, इनके साथ कभी इनके फ्रेंड्स आए, शक्ल याद कर लो, स्कैन कर लो बिल्कुल ऐसे करके, हो गई फेमस हो गए, फेमस हो गए, चॉकलेट मिल रही है आपको, कुछ बोल लो, इनकी वजह से हो रही है। थैंक यू आप सब, हाँ डुडू तेरे लिए नहीं आई है, डांस वांस कर थोड़ा, तभी तो तेरे लिए आएगी चॉकलेट। अरे देख रहे लोड छोटू के कह रहे ज्यादा सब्सक्राइबर आ जाएंगे, थैंक यू सो मच, है ना ये ना ये हटा हुआ, ये देखो वो नहीं वो वाली हटाओ, उसको दिखाना कौन सा सही था, हाँ वो वाला, हाँ, वाला हटा दो, वाला हटा दो, एक वाला चेंज कर दो। एक ये गाइस ये ना चल नहीं रही थी, दो लाइट्स ना हमने इनसे नई बुलवा ली हैं, ये रखी ना दो नई आ गई हैं ना, मुझे लगा ये भूख थोड़ा क्राउड वगैरह मैंने निपटा दिया जल्दी जल्दी, अपना लंच कर लेते हैं, लंच मतलब शाम हो गई बट मेरे लिए तो लंच ही है ना वो। गाइस मेरी पार्टी हो रही है, तुम लोग को तो पता ही है इसके अंदर क्या है, बताने वाली बात ही नहीं, तुम्हारे सामने ही जो है मैंने लगा लिया था घर पे, है ना। फटाफट जो है गाइस मैं अपना लंच कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वापस से चलेंगे शॉप पे। हाँ भाई उसके बाद तुम्हें बता भी रहा हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, कल तुम लोग को बताया था ना मैंने, पर मैं तुम लोग को थोड़ा और इंतजार करूंगा, ज्यादा नहीं, लंच कर लूँ, लंच करने के बाद पक्का तुम्हें बता दूंगा कि कल अपन कहाँ निकलने वाले, ठीक है। गाइस बड़े बड़े लोग आ गए हमारी दुकान पे, और गाइस ये आया इसने आते साथ एक ऐसी खबर दी है मुझे, तुम लोग का हक मार लिया भाई प्रिंस भाई ने, ये देखो भाई नो व्यू 16 सेकंड्स, फर्स्ट व्यू मतलब प्रिंस भाई ले गए, ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, भाई क्या कर रहा है, प्यार है ये तो अपना, तो भाई लॉन्डे लोग को करने दिया करो ना फर्स्ट व्यू, तुमने छिना लिया भाई हाथ में था आज, अच्छा फ्री था इसलिए, आज मैं फ्री था इसलिए, वरना आखिरी व्यू होता है तेरा, है ना हरामी, सबसे आखिरी में देखता है, रात में घर आके देखता है आराम से। फाइनली बता देता हूँ कि अपन लोग एग्जैक्टली कहाँ निकल रहे हैं गाइस, मैं ना हो सकता है आज रात को या मतलब मिडनाइट 3 बजे के आसपास या फिर कल मॉर्निंग में 8 बजे ना ग्वालियर के लिए निकलने वाले हैं। मैं रहूंगा, कप्पी रहेगा और भी मतलब 6-7 लॉन्डे और हैं, उनसे मैं आपको कल ही मिलवाऊंगा ब्लॉग में। अब ये है कि 2-3 दिन तक ना तुम लोग को मस्त वाले जो है ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं, और कितना टाइम हो गया था अभी लास्ट अपन इंदौर और रतलाम के लिए निकले थे ना, उसके बाद भाई इतना टाइम बाद अब अपन जो है ग्वालियर चल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वैसे ग्वालियर वो तुमको कल ही ब्लॉग में पता चलेगा, ठीक है। वेल अब देखो थोड़ा सा माल और बचा ही है इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाया, कितना बचा शेफ साहब, थोड़ा सा बचा है गाइस, ज्यादा नहीं है बहुत थोड़ा सा है, तो फटाफट ये निकालते हैं और उसके बाद घर चलते हैं, पैकिंग वगैरह शुरू करते हैं और कल निकलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या मस्त मौसम हो रहा है, नहीं वेल ये खड़ी अपनी राम वो नीचे, लोग सोच रहे हो सौरभ भाई अचानक से सुबह ही हो गई, भाई मैं घर आ गया था उसके बाद ना मैंने खाना वाना खाया फिर मुझे आलस आ गया, एंड ना मेरे ऊपर एडिटिंग का बहुत ज्यादा लोड था, मैं फटाफट जब एडिटिंग करने बैठ जाता हूँ, थोड़ा मैंने एडिटिंग वगैरह करी बिकॉज आज तुम लोग को पता ही है कि मैं ट्रैवल करूंगा और लगभग 7 घंटे की हम लोग की जर्नी रहने वाली है भोपाल टू ग्वालियर की, क्योंकि 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 400 किलोमीटर के बाद भी थोड़ा बहुत और अंदर सिटी में ट्रैवल करना है, तो मोटा मोटा 7 घंटे हम लोग को लगने वाले, तो समझ ऑक्यूपाइड रहूंगा, इसलिए ना मैंने रात में ही तुम लोग के लिए सब कुछ करके रख लिया। तो गाइस याले ब्लॉग को ना यहीं पे खत्म करते हैं, अब तो ट्रैवल ब्लॉग्स आने ही वाले हैं, तो ये वाला थोड़ा छोटू सा भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, आने वाले जो नेक्स्ट ब्लॉग्स है ना भाई वो अपन सही लंबे लंबे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो गाइस फटाफट जो है पैकिंग अधूरी रह गई है, पैकिंग कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, निकलते हैं, 7:30 बजे तक ना मुझे पहुंचना है लोकेशन पे जहाँ पे हम सब लोग मिलने वाले हैं, मिलूंगा बहुत जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की।